आज के डाउट्स। तो आज अपन वही चलते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को एक बार रिवाइज करते हैं, सारे फॉर्मूले देखते हैं, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का अपन ने कल एक स्पेशल केस देखा था जिसमें सारे के सारे सेल्स को हमने एक साथ सीरीज में लगाया था और सारे आइडेंटिकल सेल्स थे। ठीक है, तो एक बार पहले उसको वापस देख लेते हैं। तो वापस बना देता हूँ उसको। दिस वॉज द पिक्चर, इस तरीके का पिक्चर था मेरे पास। ठीक है, एंड इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर रखा था, इस पिक्चर से हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ से सारे, ये सारे ईएमएफ्स की है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी, हमने देखा था नेट ईएमएफ यहाँ पर कितना होगा। तो अगर ई नेट की बात करें तो ई नेट यहाँ पर सभी को ऐड करके मिलता है, ई प्लस पी एंड सो ऑन, तो आंसर आता है एन टाइम्स ई। आर नेट की अगर बात करें, आर टोटल की अगर बात करें, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो एन आर हो गया और इसमें अपन कैपिटल आर ऐड कर देते थे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो प्रोवाइडेड है। यहाँ से करंट की वैल्यू निकालते थे तो ई बाय आर टोटल आता था, ई कितना एन टाइम्स ई, आर टोटल एन आर प्लस आर। एंड दिस वाज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट, करंट इन द सर्किट अगर एन आइडेंटिकल बैटरीज, एन आइडेंटिकल सेल्स आपके पास लगे हुए हो। तो उन एन आइडेंटिकल सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर है, ठीक है, स्मॉल आर, एंड ईएमएफ जो है वो ई है, तो वहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके। अब इस फॉर्मूले से अपन ने दो केस बनाए थे। ठीक है, केस नंबर वन, केस नंबर वन वाज अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मच मच लार्जर हो एक्सटर्नल से, और इस केस के अंदर अपन स्मॉल कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आई की वैल्यू बनेगी एन टाइम्स ई बाय एन टाइम्स स्मॉल आर। आंसर बना ई बाय स्मॉल आर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। ऐसे ही अगर केस नंबर टू की बात करूं, सो केस नंबर टू जिसके अंदर मैंने क्या माना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मच मच लार्जर देन इंटरनल रेजिस्टेंस माना और करंट की वैल्यू एन टाइम्स ई बाय कैपिटल आर आ गई। दैट मींस मैक्सिमम करंट मुझे कब मिल रहा है, मैक्सिमम करंट मुझे मिल रहा है सर्किट में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से वेरी वेरी हाई होगा। बहुत ज्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होने के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं और उस केस में हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम देखने को मिलती है। ये केस हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में पूछा जा चुका है बोर्ड पे। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई बात की प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया। अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, सो नेक्स्ट विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी तरीके का आइडेंटिकल बैटरीज लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें। सारी आइडेंटिकल बैटरीज इस बार पैरेलल में लगा दी जाएंगी, ये लो इस तरीके से सारी आइडेंटिकल बैटरीज को पैरेलल में लगा देंगे। ठीक है, एन नंबर ऑफ बैटरीज यहां पर लगा दी, सभी का ईएमएफ जो है वो ई है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस ई है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस ई, एंड जो ईएमएफ है वो कैपिटल ई लिख रहा है। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को जोड़ते हैं, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने इससे कनेक्ट करा। तो ऑब्वियसली इन बैटरीज की वजह से सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब वो करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, लेट अस कैलकुलेट दैट। सो उस करंट की वैल्यू कितनी रहती है अपन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सारी की सारी एन नंबर ऑफ बैटरीज, ठीक है, एन टाइम्स All the batteries are having equal EMF. Equal EMF, n number of batteries. Formula मेरे पास क्या कहता है? E net upon R net is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 and so
आर नेट की अगर बात करें तो देखिए आर नेट विल बी इक्वल टू आर बाई एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज है पैरेलल में लगा रखे हैं, तो आर बाई एन मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, सो आर नेट की जगह आर बाई एन, ई नेट निकल के आया आर बाई एन ऊपर मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू ई वन बाय आर वन, ई टू बाय आर टू, ई थ्री बाय आर थ्री एंड सो ऑन। इन सभी को ऐड करेंगे दिस बिकम्स एन टाइम्स ई नेट बाय आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ई बाय आर, से आर कैंसल, एन से एन कैंसल, ई नेट की वैल्यू ई के बराबर आ गई। और इसका बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है एक मेरे पास, हमारे पास इतनी सारी बैटरी लगाने के बावजूद हमारा जो नेट ईएमएफ है वो ई के बराबर ही आ रहा है। इसका एक नेट मैं आपको आंसर बताता हूँ, ध्यान से देखो, ये आइडेंटिकल के केस में ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, क्या यहां से आया इलेक्ट्रॉन, ये आया इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये दिखा जंक्शन, जंक्शन से दिखा एक रास्ता ऊपर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, बराबर बैटरी लगी है, तो इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वन चॉइस, और वो चॉइस इलेक्ट्रॉन के पास ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी रास्ते से जा सकता है। नाउ हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन आधा पौना ऐसे करके नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन पूरा मिलता है। So, इलेक्ट्रॉन अपने टुकड़े करके अलग अलग रास्तों से नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी एक रास्ते से निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो सीधा इस रास्ते से आ जाता है आगे, तो सिर्फ एक ही बैटरी ने उसे एक्सेलरेट किया, बाकी सभी बैटरी का यहां पर कोई भी रोल नहीं रहा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया हो सकता है वो इस बैटरी से निकल जाए, ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया हो सकता है इस बैटरी से निकल जाए, दैट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम वन ब्रांच ओनली, एंड इसी वजह से यहाँ पर नेट ईएमएफ भी क्या आ जाता है, ई ही आ जाता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इसका कि नेट ईएमएफ यहाँ पर ई आने का रीजन क्या है, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, कहीं से भी दिखते तो एन रास्ते हैं लेकिन वो जाएगा कहां से, एक ही से तो जाएगा, वो अपने एन टुकड़े तो कर नहीं सकता। अगर वो एन टुकड़े नहीं कर सकता, एन तरफ से जा नहीं पाएगा, वो एक ही तरफ से जा पाएगा, कोई भी एक रास्ता चूज करेगा और उससे निकल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक अपना एक्सप्लेनेशन है इस चीज का। फटाफट बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं, हैंड रेज करके फटाफट बताओ। सर आशिको मैं दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लड़ मुझे चोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा। Yes, everyone fast. Raise your hands, it is clear or not? चलिए, तो ये एक सिंपल सी चीज थी जो हमने यहां पर सीखी। ठीक है, क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा कि भाई आपका एक ही रास्ता यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता एप्लीकेबल रहेगा, इसीलिए हमारा नेट ईएमएफ भी ई के बराबर आ जाता है। चलिए, ठीक है, नेट ईएमएफ भी किसके बराबर आ जाता है, ई के बराबर आ जाता है। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि किस तरीके से इस नेट ईएमएफ से हम करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए देखिए, तो नेट ईएमएफ से करंट की वैल्यू के लिए अपन को आर टोटल चाहिए होगा सबसे पहले, टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस के लिए देखो, सबसे पहले तो एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सो एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इन पैरेलल। सेकंडली, इन एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के सीरीज में एक आर रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, तो मैं यहां पर प्लस आर और कर देता हूं। जब इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से निकलेगा R प्लस N टाइम्स R, which is divided by N। करंट की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे, तो I net और करंट इन दिस पर्टिकुलर सर्किट विल बी इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस,
EMF divided by total resistance. Now this EMF is E only, and total resistance is R plus N times R into R N. ठीक है, ये मेरे पास नेट करंट आ गया. चलिए यहां से वापस से दो केस बनेंगे, यहां से वापस से दो केस बनेंगे. केस नंबर वन इज अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मच मच लार्जर हो जाए एक्सटर्नल से, तो आर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और यहां से मेरे पास फॉर्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू एन टाइम्स ई बाय आर. और केस नंबर टू मेरे पास क्या बनता है यहां से, केस नंबर टू that is equal to capital R is much much larger than small r, तो small r को neglect करेंगे और current की value बनेगी E by capital R. Now आप लोग बताइए कौन से केस के अंदर हमारा करंट ज्यादा है, हैंड रेज करके बताए मैं पूछूंगा. Yes, raise your hands. Let me ask. Yes, कौन बताएगा? हाँ चल, बताओ. Sir, in which capital R is much much smaller than R? In which capital R is much much smaller than R? इस केस के अंदर हमें करंट मैक्सिमम दिख रहा है. और ये केस अगर सीरीज से कंपेयर किया जाए, तो ऑपोजिट हो गया. ठीक है, हम देख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल से ज्यादा होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा. एंड दिस केस इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ सीरीज केस. जो सीरीज के अंदर पड़ा था उससे ठीक ऑपोजिट यहाँ पर पैरेलल के अंदर अपन को देखने को मिल रहा है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना, बोर्ड के अंदर हमसे पूछा जा चुका है. अब इसको किस तरीके से पूछा गया था तो पहले उसकी बात भी कर लेते हैं. चलिए, हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, हमसे ये पूछा जाता है इफ एन नंबर ऑफ सेल्स हैविंग इक्वल ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, then the condition for maximum current is हमें बतानी. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, अगर किसी ने थोरो नॉलेज इस चीज की नहीं ली होती है तो वो एग्जाम में जाके इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कर पाता. ठीक है, एग्जाम में जाके ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता. चाहे आप सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले भी रट लो तो भी ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर ये दोनों केसेस आपने नहीं पढ़े. तो ये केसेस क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. इफ एन नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के अंदर आते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है, अच्छा एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस थे सीरीज में थे, मैक्सिमम करंट कब मिलता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है इंटरनल. तो आपका यहाँ पर आंसर तुरंत आ जाना चाहिए कि सर जब हम n नंबर ऑफ ईएमएफ्स को सीरीज में लगाएंगे और उसके सीरीज में अगर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाया जाए जो कि इंटरनल से बहुत ज्यादा बड़ा हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है. बस इतना सा आंसर लिखना था, दो नंबर फ्री के थे. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ईएमएफ अगर सभी सेल्स का सेम रहे और सीरीज में रहे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इंटरनल मैक्सिमम करंट देगा, और अगर पैरेलल में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन एक्सटर्नल मैक्सिमम करंट देगा. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि याद रखनी है. ठीक है, बताओ सबको हैंड रेज करके ये चीज क्लियर है कि नहीं. फास्ट
Yes, yes, raise your hands, everyone. अब इसी को थोड़ा सा कंबाइन करते हैं, इसी को थोड़ा सा कंबाइन करते हैं। अब सीरीज पढ़ लिया अलग से, पैरेलल पढ़ लिया अलग से, अब दोनों कंबाइन कर देंगे, सीरीज और पैरेलल एक साथ घुसा देंगे। देखिए देखिए सर्किट आपको कैसा दिख रहा है, सर्किट आपको दिख रहा है, यहाँ पर n नंबर ऑफ ब्रांचेस है मेरे पास, n नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं और सभी ब्रांचेस के अंदर मैंने क्या लगाया है, सभी ब्रांचेस के अंदर n नंबर ऑफ EMFs लगा दिए हैं सेम सेल, तो n सेल्स इन ईच ब्रांच, ठीक है, हर ब्रांच में कितने सेल है, n सेल है, और कितनी ब्रांचेस है, तो n ब्रांचेस, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। n नंबर ऑफ सेल सभी सीरीज में, यहां पर भी n नंबर ऑफ सेल सभी सीरीज में, और ऐसी कितनी ब्रांचे, n ब्रांचे, ठीक है। इन सभी को कनेक्ट किया ये लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ये लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जो कि कैपिटल आर। तो इन सभी की बात करें, दिस इज e, दिस इज स्मॉलर, दिस इज e, दिस इज स्मॉलर, एंड सो ऑन। ये मेरे पास फंडा बनता है यहां पर। Now my question is, कि यहाँ नेट ईएमएफ कितना होगा, कितना नेट ईएमएफ यहाँ पर आएगा, ये सबसे पहला मेरा सवाल है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हर एक ब्रांच का अगर नेट ईएमएफ देखें, हर एक ब्रांच का अगर नेट ईएमएफ देखें क्या निकलता है, लेट अस सी। चल, अगर हर एक ब्रांच का नेट ईएमएफ ऑफ ब्रांच, नेट ईएमएफ ऑफ ब्रांच की बात की जाए, तो हर एक ब्रांच का नेट ईएमएफ क्या होगा, n टाइम्स e होता है। एक ब्रांच में नेट ईएमएफ क्या होगा, e प्लस e प्लस e प्लस e प्लस e एंड सो ऑन, ठीक है। हर ब्रांच का नेट ईएमएफ ये, टोटल नेट ईएमएफ निकालने के लिए हमें e नेट डिवाइडेड बाय r नेट is equal to E1 by R1 plus E2 by R2, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। पिछला केस देखिए, पिछले केस में सारी बैटरी सेम थी, लेकिन चार्ज तो एक ही ब्रांच से जा पाया था। यहां पर भी वही है, सारे ब्रांचेस में EMF सेम है, N times E, हर ब्रांच में EMF N times E, लेकिन करंट जो है वो तो एट अ टाइम एक चार्ज एक ही ब्रांच से जा सकता है। दैट मीन्स अगर चार्ज आया यहाँ पर, तो या तो वो इस ब्रांच से जाएगा, या तो ऊपर वाली ब्रांच से जाएगा, या तो नीचे वाली ब्रांच से जाएगा। दैट मींस अल्टीमेटली, अल्टीमेटली नेट ईएमएफ की अगर बात कर ली जाए, ईएमएफ नेट, तो वो एन टाइम्स ई के बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हर ब्रांच में एन टाइम्स ई है, और चार्ज अगर आएगा तो एक ही ब्रांच से जा सकता है। इट कैन नॉट डिवाइड एंड ग्रो फ्रॉम ऑल एन ब्रांचेस, नो, it will go from only one branch, एक ही ब्रांच से निकले। तो ये लो n times। अब निकालना net resistance। एक ब्रांच में देखो कितना resistance, r plus r plus r plus r, ऐसे कितने बार करेंगे, n times करेंगे। So net resistance in one branch, net resistance in one branch will be equal to n times r। अब ये तो n टाइम्स r, तो एक में ऐसे कितनी ब्रांचेस हैं, n ब्रांचेस हैं, सभी को पैरेलल में लगाया है, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, हर ब्रांच में तो n r था और ऐसी कितनी ब्रांचेस थी n, सो कैंसिल हो गया, नेट रेजिस्टेंस r के बराबर आ गया, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आया, r के बराबर आ गया।
ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस देखे एक्सटर्नल को मिला के, तो टोटल रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पर प्लस आर और आ जाएगा। करंट की वैल्यू निकालें तो करंट होता है ईएमएफ नेट अपॉन आर टोटल, नेट ईएमएफ है एन टाइम्स ई, आर टोटल है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ये वैल्यू आ गई मेरे पास करंट की इस पर्टिकुलर केस के। बहुत अच्छे से याद रखना है, दोबारा समझो, मैं समझा रहा हूं। हर ब्रांच में देखो n टाइम्स e, हर ब्रांच में n टाइम्स e दिख रहा है, नीचे वाली ब्रांच में भी n टाइम्स e, इसके नीचे वाली ब्रांच में भी n टाइम्स e, फिर n टाइम्स e, वो सारी ब्रांचेस के अंदर n टाइम्स e ही करंट मुझे बैटरी का ईएमएफ मुझे दिख रहा है। ऐसी कितनी ब्रांचेस है, n ब्रांचेस, तो जब नेट ईएमएफ निकालेंगे तो n टाइम्स e ही रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो किसी भी एक ही ब्रांच से जा सकता है, वो अपने 10 टुकड़े करके 10 ब्रांचेस से नहीं जाएगा, it will only go from one branch at a time, and that is why the net EMF comes out to be n times e only. Now, एक ब्रांच में R resistance series लगे, तो n times R मेरा क्या हो गया? Resistance in one branch, ऐसी कितनी ब्रांचेस हैं? ऐसी n ब्रांचेस हैं, तो n ब्रांचेस को पैरेलल में किया तो R total comes out to be n R upon n, जो कि R के बराबर आ गया। इसके सीरीज में हमने रेजिस्टेंस लगा रखा था तो प्लस आर किया, करंट की वैल्यू निकलती है ई नेट बाय आर टोटल से, ई नेट था एन टाइम्स ई, आर टोटल था आर प्लस कैपिटल आर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारे पास क्या आया? फाइनल करंट निकालने का फॉर्मूला निकल आया। मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूला याद मत रखो, मैं चाहता हूं आप लॉजिक याद रखो। क्या लॉजिक सबको यहां पर क्लियर है कि नहीं? क्या यहां पर लॉजिक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो, देखें जरा क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो बेटा यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ खत्म होता है। मैं आज नया टॉपिक शुरू नहीं करूंगा, किरचॉफ लॉ मंडे से शुरू करूंगा, किरचॉफ लॉ मंडे से शुरू करूंगा और किरचॉफ लॉ वहां बताऊंगा, ठीक है? जब आपका कैपेसिटर हो जाएगा, जब आपका सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर हो जाएगा तो कैपेसिटर में भी किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं, लेकिन वो भी मैं ही कराऊंगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी फॉर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से किरचॉफ लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर किरचॉफ लॉ नहीं होता तो आगे की जो चीजें हैं वो थोड़ी टफ हो जाती, आगे की जो चीजें हैं वो थोड़ी टफ हो जाती, तो उनका भी ध्यान रखना है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सबसे पहले से लेके शुरुआत से लेके अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं आज पूरा चीज रिवाइज करा रहा हूँ, एक एक चीज। 3 दिन छुट्टी आएगी इसलिए बता रहा हूँ। सारे फॉर्मूले लिखूंगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था करंट क्या होता है, तो करंट होता है क्यू बाई डी, या फिर करंट को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, डिफरेंशियल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू बाई डी टी, वैसे क्यू बाई डी, ये करंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है? इसके बाद हमने बात की ओम्स लॉ की, हमने ओम्स लॉ की बात की, ओम्स लॉ जानते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, बचपन से वी इज इक्वल टू आई आर ही है, आज भी वी इज इक्वल टू आई आर। फिर हमने बात की रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, ठीक है? ये सब 10th क्लास का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। सो ये बात हो गई हमारी करंट की, सो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जो कि था जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। सिग्मा क्या था यहाँ पर? सिग्मा था कंडक्टिविटी, सिग्मा वाज कंडक्टिविटी, एंड व्हाट इज ई? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाट इज जे? जे इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला था, जे वेक्टर वाज इक्वल टू आई बाय ए वेक्टर, या फिर लिख सकते हैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई। ये मेरे पास फॉर्मूला था करंट डेंसिटी, ठीक है? यहां तक हमने बात की थी ओम्स लॉ के बारे में, करंट के बारे में। एक सर्किट के अंदर, एक वायर के अंदर करंट क्यों फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलपमेंट से फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, चार्जेस मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डेवलप करता है? बैटरी करती है, ठीक है? ये चीज हम बात कर चुके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या बैटरी चार्ज को प्रोवाइड करती है क्या? हमारा आंसर होगा नहीं, बैटरी चार्ज को प्रोवाइड नहीं करती, बैटरी यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो एनर्जी चार्ज लेके चलने लगता है, ठीक है?
इसके बाद हमने बात किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था vd = - e कैपिटल e टाउ / m। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो है, देखिए इलेक्ट्रॉन एक गैस की तरह बिहेव कर रहा होता है कंडक्टर में, रैंडमली हर डायरेक्शन में, रैंडमली हर डायरेक्शन में टकराता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। बट जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, बैटरी लगाते हो, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो ये टकराते टकराते एकदम से ड्रिफ्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है, और इसी ड्रिफ्ट के बाद जो वेलोसिटी रहती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, दिस इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल सी इजी बात। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, आई इज इक्वल टू एम ई ए वी डी, और यहां एक नेगेटिव साइन लगाया था, दोनों में नेगेटिव साइन का क्या एक ही डिनोशन है। यहाँ पर बता रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ बता रहा है करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका अपन ने डिस्कशन किया था नेगेटिव नेगेटिव साइन क्यों आ रहे हैं। फिर हमने देखा था रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करता है कंडक्टर के ऊपर, तो कंडक्टर के अंदर अपन ने देखा था कि ये फॉर्मूला था रो टी इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कंडक्टर के रेजिस्टिविटी के चेंज होने का टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल बहुत तेज तेज मूव करेगा, बहुत तेज तेज मूव करेगा तो उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। इसको अपन ने एक फॉर्मूले से दिखाया था रो इज इक्वल टू एम अपॉन एम ई स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूले से। दिस वॉज अनदर फॉर्मूला विच वॉज रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। फिर हमने रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर बात किया, टेम्परेचर बढ़ाओ कम हो जाएगा। फिर हमने एलॉयज की बात की, टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ेगी लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं करती, नेग्लिजिबल रहती है, इसीलिए हम लैब के अपैरेटस एलॉयज से बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने बात की थी इंसुलेटर्स की, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी कम कर जाएगी लेकिन फीजिबल नहीं होता, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, टेम्परेचर जल जाता। फिर हमने बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज अ वेरी गुड वाइफ करके एक कार्बन रेजिस्टर्स का बेसिक प्रिंसिपल देखा था, और कार्बन रेजिस्टर पे आपको क्वेश्चन ऑन एंड ऑफ एग्जाम्स में देखने को मिलता है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, एक ट्रिक बताई थी बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करके। चलिए उसके बाद हम आ गए अपने रेजिस्टेंसेस पे, कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन इसकी बात की। फिर हमने ईएमएफ की बात की, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल की बात की। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में हमारे पास रिलेशन क्या आता था, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये डिस्चार्जिंग के केस में था, और चार्जिंग के केस में क्या होता है, V is equal to E plus IR, ये एक ही ऐसा केस होता है जिसके अंदर V बड़ा होता है E से, और जब करंट जीरो होता है तो सर्किट में V बराबर E हो जाता है, ठीक है। ये कब है, जब I की वैल्यू जीरो हो। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी। फिर हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखा, तो उसको भी यहां पर अपन लिखते हैं, सारी चीजों को अपन लिख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, आपको भी क्लियर लगे सही यहाँ तक हम लोग जानते हैं सर क्या आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सो वो होता है ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री एंड सो ऑन इज इक्वल टू ई नेट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा ई नेट अपॉन आर नेट इज इक्वल टू ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू एंड सो ऑन। ये सारे फॉर्मूले अभी तक अपन पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, ठीक है। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपना 60% खत्म हो चुका है, 60% इज ओवर। किसी को पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप लोग हैंड रेज करिए, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट तो आप लोग हैंड रेज करके बताओ। यस दिव्य सिंह, तन्मय, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप दो हफ्ते से नोट्स का कह रहे हो सर, भेज भी दो, रोज वेट करते हैं सर। बिल्कुल मिलेगा, सब्र का फल मीठा होता है सर। 3 दिन की छुट्टी भेज दोगे तो कर भी लेंगे शायद थोड़ा थोड़ा। हाँ ये कर लेते हैं, ठीक है, आज मैं भेज दूंगा 100%, ठीक है। 3 दिन की छुट्टी में आपको बस ये रहेगा कि 3 दिन की छुट्टी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे नोट्स बनाने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस सर,
आप पतंग उड़ाते हो सर? क्लास क्लियर है कि नहीं है बताओ? यस सर, एकदम क्लियर है। चलो ओके, एनी एवरीवन रेज योर हैंड्स जिन जिन को आज की क्लास क्लियर हो चुकी है। फिर अपन मंडे से शुरू करेंगे किरचॉफ्स लॉ, ठीक है? किरचॉफ्स लॉ शुरू करेंगे। इस चैप्टर को ऐसा समझो कि हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आज तक हमने करंट का बेसिक पढ़ा है, अब हम एडवांस चीजें पढ़ेंगे जो कि नई चीजें हैं, जिसके बारे में पहले जिक्र नहीं किया, जिसके बारे में टेंथ तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा। करंट वर्ण पोटेंशियल वगैरह इन सब के बारे में जिक्र टेंथ क्लास में हो जाता है, और अभी तक हम वही चीजें पढ़ रहे थे, अभी तक हम उनको समझ रहे थे। अब अपन वो चीज पढ़ेंगे जो ट्वेल्थ क्लास के लिए एक्सक्लूसिव, और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है। जो अब पढ़ाऊंगा वहां से आने के चांसेस ऑलमोस्ट 70% है, ठीक है? तो मंडे से आपका मेजर क्वेश्चन इस चैप्टर में शुरू, और हर चैप्टर में यही रेशियो है, हर चैप्टर में 60% कोर्स हर चैप्टर का जो आसान रहता है वो सभी बच्चों को याद रहता है। जो बचा हुआ 40-30% कोर्स है वो उसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और बच्चों को वो टफ लगता है, ठीक है? तो जो उस बचे हुए पोर्शन पे ज्यादा फोकस